आज हम इस वीडियो में क्षत्रिय मराठों के 96 क्षत्रिय कुलों में से दूसरे आंग्रे कुल की जानकारी लेंगे, जिसमें इस कुल का वंश, गोत्र, देवक और इस आंग्रे कुल में आने वाले उपकुलों के बारे में जानकारी बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, हम जो जानकारी लेंगे वह रामकृष्ण कदम लिखित ग्रंथ मराठा 96 कुल से लेने वाले हैं। मराठों के 96 क्षत्रिय कुलों में दूसरा कुल है आंग्रे कुल। इस आंग्रे कुल को कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूट वंश की शाखा मानते हैं तो कुछ इतिहासकार कदम राजवंश की शाखा मानते हैं। आंग्रे कुल का वंश चंद्र है, गोत्र गार्ग्य है और देवक पंच पल्लव है। इस आंग्रे कुल में अनेक उपकुल है। उपकुल का मतलब होता है इस आंग्रे कुल से निकले हुए अनेक उपनाम यानी सरनेम। किसी भी कुल के लोग जब विविध प्रदेशों में जाते हैं तो उस प्रदेश के नाम पर यानी गांव के नाम पर उनका उपनाम या सरनेम हो जाता है। या कभी कभी किसी भी कुल के व्यक्ति को अगर उसने कोई पराक्रम किया हो तो कोई सम्मानजनक उपाधि दी जाती है तो वही उपाधि उसका उपनाम यानी सरनेम हो जाता है। तो ऐसे उपनाम या सरनेम को उसके मुख्य कुल का उपकुल कहा जाता है। और आंग्रे कुल के जो उपकुल है वह आप वीडियो में देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।